चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आ जाइए आप लोग ऑडियो वीडियो होपफुली क्लियर होगा और ये मैथ्स का सेशन रहेगा मैथ्स पैडागलॉजी जो 15 मार्क्स में आपसे सी में पूछी जाती है फोकस रहेगा पेपर वन पर बाकी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पेपर टू में भी आपको हेल्प कर पाएंगी बट फोकस है पेपर वन पर और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ इसको जुगाड़ सेशन कहेंगे मैथ्स का है ना ऐसे जुगाड़ सेशन कहेंगे उसका रीजन ये है कि एक घंटे में कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कंप्लीट हो जाए बट जो मेन चीजों का रिवीजन है जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए एटलीस्ट एक घंटे से आप पांच से दस के बीच में एटलीस्ट पांच से ऊपर नंबर अगर ला पा रहे हैं पांच सात नंबर अगर एक घंटे में आ जाते हैं वो भी ऐसा सब्जेक्ट जो सबका उतना अच्छा नहीं होता तो थोड़ा सा उसको जुगाड़ सेशन कहेंगे वो चीजें जो लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं ना मतलब जिनको आसानी से पकड़ा जा सके तो उन चीजों के थ्रू हम नंबर गेन करेंगे बजाय बजायेगी बिल्कुल कुछ नया पढ़ने के ठीक तो देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन सेशन रहेगा आप लोग जुड़ जाइए तभी मैं स्टार्ट करूंगी अगले दो तीन चार मिनट में रिविजन रहेगा वन आवर का सेशन है आपका और अगर मैं बात करूं तो आज के टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेन क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट है और एक थोड़ा बहुत आपको पसंद आते हैं सेशंस तो आई एम दी टॉप एजुकेटर ऑन ऑनडमी प्लस आई थिंक मतलब आई मीन नंबर वन हम लोग अभी चल रहे हैं ठीक इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा अन आपको डिस्काउंट अवेलेबल कराएगा जितना भी पॉसिबल होगा आज की अगर मैं बात करूं हम वैन हिल को डिस्कस करेंगे वैन हील बेसिकली बहुत ही कॉमन सी जियोमेट्री की थ्योरी है जिससे एक क्वेश्चन आ जाता है इसको अच्छे से समझ लेंगे थोड़ा सा क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है बट आपको वही सेशन क्या है जुगाड़ सेशन है आज का जहां से कम मेहनत में ज्यादा नंबर आप गेन कर सके एटलीस्ट कुछ नंबर ऐसे हों जो फिक्स हो जाए आपके साथ में क्वेश्चन भी करेंगे बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन जिनसे आइडिया लगेगा आपको कि सॉल्व कैसे करना है क्योंकि पढ़ तो आप कितना भी लीजिए मैटर वही करेगा कि पेपर में आपको क्या करना है क्वेश्चन सोल्व करने हैं वॉइस क्लियर है कि नहीं नहीं है क्लियर एक बार बताओ वॉइस क्लियर है कि नहीं फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो बहुत ही कॉमन होते हैं और पूछे जाते हैं हर बार सिलेबस फिक्स है ना सी का ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया एकदम से बदलाव हो जाएगा और सी का सिलेबस ही बदल जाएगा वो तो होगा नहीं पेपर में ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अगर किसी क्लियर नहीं है तो दैट मीन्स आपको अपना नेटवर्क चेक करने की जरूरत है ठीक है बात एग्जैक्टली exactly. एग्जाम तो होगा बट uh, देखो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली uh, क्या कहें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है बट मे बी सेप्टेम्बर तक जा सकता है लेट सी वॉट हैपन्स अगले चौबीस घंटे में शायद चीजें क्लियर हो जाए कि कब होना है होना है अभी होना है या बाद में होना है ऑफिशियली है ना मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका मैंने आपको बता दिया तो सिमेट्री को समझेंगे जहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है टेसिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझेंगे इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग मैथ्स के टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पे कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है धन्यवाद प्रतिभा तो उसको समझेंगे फिर ब्लूम्स को थोड़ा सा समझेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं रिपीटेडली ऑप्शन बदल करके लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके जिनको सीटेट हटा नहीं सकता बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस उतनी इंपॉर्टेंट है जितना की पढ़ना ठीक है बात तो समझते हैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ में चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ठीक तो मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि आप वॉइस क्लियर नहीं है किसकी किसको वॉइस क्लियर नहीं है भाई कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे आज के सेशन में एक घंटे में जितना भी समझ सकते हैं उतना समझ लेंगे हाँ कोशिश रहती है पेडागोजी में थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाए धन्यवाद वी ऑल आर बेस्ट नाम नहीं ले पाऊंगी बहुत सारे लोग हैं आप इतने सारे नाम लेना पॉसिबल नहीं है तो स्टार्ट करेंगे एक मिनट और वेट कर लेती हूँ का फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है एक मिनट वेट कर लेती हूँ मैं फिर आगे बढ़ेंगे वॉइस क्लियर है या नहीं इतने आप यस और नो चूज करके बता दीजिए कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है जो कि होना नहीं चाहिए जैसा कि बताइए एक बार आवाज गूंज रही है आवाज गूंजनी चाहिए है ना हम्म 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 पूछना है कुछ देखो ये वाला सेशन जो होता है ना स्पेशल क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसके इसमें बता पाना मुश्किल हो जाता है कई बार ठीक एक बार मैं ये लिंक भी शेयर कर देती हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है एक मिनट का समय मुझे दे दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट -पट से समझेंगे चीजों को वेलकम है जितने भी नए पुराने सभी लोग और जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं अन अकेडमी पर जुड़े हैं पहली बार स्पेशल क्लास सभी के लिए फ्री होती है बहुत बढ़िया अन अकेडमी पर मैं इंग्लिश पैडागॉजी डील करती हूँ इंग्लिश पैडागॉजी और केवीएस के लिए इंग्लिश ग्रामर डील करेंगे अभी इंग्लिश पैडागॉजी चल रहा है ठीक है बात सीटेट के लिए तो अगर आप वहां जुड़ रहे हैं तो आपको फिर वो एक चीज देखने को मिलेगी बहुत बढ़िया हाँ आ जाइए आप लोग अभी कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं कर लीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है उतना हम एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे जितना लेट शुरू होगा उसमें कोई इशू नहीं है ठीक है आ जाइए आप लोग पहले हम्म ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया एक सेकंड बहुत ही बढ़िया सही है ये ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ नमस्कार है भाई सभी को सुधांशु फर्स्ट क्लास है वेलकम चलिए स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं छह मिनट हो चुके हैं अब स्टार्ट कर लेते हैं टाइमिंग यही होना था नहीं ये पांच स्पेशल क्लास होती हैं जो फ्री होती हैं बाकी प्लस पर कोर्स चलता है उसमें से ये आज फिफ्थ क्लास है इससे पहले मैं चार स्पेशल क्लास ले चुकी हूँ अलग अलग चार सब्जेक्ट की मतलब मेरा मुद्दा ये था मेन कि पांच सब्जेक्ट की एक एक रिवीजन क्लास हो जाए जिसमें मेन मेन चीजें एटलीस्ट हम रिवाइज कर लें तो एक हमने सी की थी एक हिंदी की थी एक इंग्लिश की है एक ईवीएस की है और आज मैथ्स है जो पेपर उनके सारे पांच सब्जेक्ट हैं इनमें से तीन सब्जेक्ट पेपर टू वालों के लिए भी कॉमन है तो वो रिकॉर्डेड सेशन यहीं आपको अन अकेडमी मिल जाएंगे फ्री तो एक बार उनको आप चेक कर लीजिएगा स्पेशल क्लास वाले सेक्शन में हिमांशी सिंह प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ आपको मिल जाएंगे आज हम मैथ्स खत्म करेंगे इस महीने फिर आपकी कोई स्पेशल क्लास नहीं बचेगी पांच स्पेशल क्लासेस मेरी होती हैं अन पर ठीक नेक्स्ट मंथ जुलाई में मिलेंगे हम लोग जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ उनकी मैं बात कर रही जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनसे मैं डेली मिलती हूँ ठीक है तो ये एक छोटी सी बात है ये हिमांशु सिंह प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ टीई टी, -टी कैटेगरी के नीचे स्पेशल क्लास का ऑप्शन होगा वहां से आप देख लीजिएगा बाकी के सेशन ठीक है क्वेश्चन चेक कर लो तब तक

बिल्कुल सेप्टेंबर तक जा सकता है इवन ग्रेट ठीक है बात हाँ अंजलि स्टार्ट करते हैं देखिए एक बार वैन हील का ज्योमेट्रिक थॉट है विचार कह सकते हैं हम इसको इसमें पांच लेवल्स हैं लेकिन जीरो लेवल से शुरू होता है तो फोर ही हम काउंट करेंगे अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो है ना जीरो वन टू तो, थ्री और फोर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर वन की अगर हम बात करें तो जीरो और फर्स्ट लेवल से यानी विजुअलाइजेशन और एनालिसिस से ठीक है बात समझते हैं चीजों को इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे बहुत बढ़िया हम्म हु। थैंक यू नेहा वॉइस में प्रॉब्लम इतने सारे लोग कैसे बात? क्लियर है एक बार फिर से बता दो यार वॉइस की प्रॉब्लम रहेगी आज नेटवर्क ने सर में दर्द कर दिया फटाफट से बताओ वॉइस इज क्लियर और नॉट आप बीच में रुकेंगे नहीं फिर जैसे भी वॉइस हो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा है ना फटाफट से बताइए प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में कोई बात नहीं दस परसेंट लोगों को प्रॉब्लम हो गई no नो प्रॉब्लम चकाचक बहुत बढ़िया ये देखो इनके शब्द देखो सही है सही है ठीक है वो आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है फिर अगर कहीं भी क्लैरिटी की कमी है तो ठीक है समझते हैं देखो वैन हील की अगर हम बात करें तो थॉट है जो ज्यामिति हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ लेवल्स दिए हैं कि कैसे हम चीजों को देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स को और कैसे हम उनको समझ सकते हैं ठीक तो इसमें जो जीरो से मैंने बताया शुरू होता है विजुअलाइजेशन पहला लेवल है जिसमें आप चीजों को विजुअलाइज करते हैं देखते हैं जैसे कि आपने कुछ भी देखा मतलब मान लीजिए आप एक पेन देख रहे हैं तो इसकी भी शेप आप विजुअलाइज कर रहे हैं आपने कोई सर्कल देखा तो मतलब आप देखने के बेसिस पे चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं या कह सकते हैं कि आप बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं ठीक है डबल आ रही है पता नहीं देखो अब जो इश्यूज है उनको मैनेज कीजिए घंटे की क्लास है समझिए एक बार विजुअलाइजेशन मतलब कह सकते हैं एक तरीके से आप दर्शन कर रहे हैं उस चीज का हिंदी में एग्जैक्ट क्या कहेंगे नहीं पता बट आप शेप के बेसिस पे आपने देखा ये है इसमें थोड़ा सा अंतर भी होगा तब भी आप इसको सर्कल समझेंगे ठीक आप ओवल को भी सर्कल समझेंगे क्योंकि आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं देखने के बेसिस पे ठीक ये सबसे छोटा लेवल हुआ एकदम इनिशियल लेवल हुआ जब बच्चा छोटा है फिर उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो तो एनालिसिस एनालिसिस का एक लेवल आएगा मतलब वो वो पार्ट्स में में देख पाएगा चीजों को ठीक क्लासेस ऑफ शेप्स फिर विभाजित करना सीख जाएगा भाई ये आपका स्क्वायर है ये आपका रेक्टेंगुलर है ये आपका सर्कल है ठीक फिर आता है इनफॉर्मल डिडक्शन इनफॉर्मल डिडक्शन में अब वो प्रॉपर्टीज भी समझेगा कि जो सर्कल और रेक्टेंगल uh, है उसमें डिफरेंस क्या है भाई जो आपका सॉरी uh, ये स्क्वायर है उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं जो आपका रेक्टेंगुलर है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ठीक तो वो प्रॉपर्टीज भी समझेगा उनकी विशेषताएं क्या है उनके बेसिस पे भी अलग कर पाएगा ठीक डिडक्शन में या फॉर्मल डिडक्शन इसको कह देते हैं हम तो इ, इन प्रॉपर्टीज में भी वो फिर रिलेशन को फाइंड आउट कर पाएगा ये नेक्स्ट लेवल हो गया बट हम क्या करेंगे सिर्फ दो लेवल पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है इससे ऊपर नहीं पूछता ठीक फिर रिगर आ जाएगा समझते हैं एक बार अगर इनका हम डिफाइन करने की बात करें तो एक चीज हम यहाँ देख सकते हैं विजुअल जिसको हम जीरो लेवल मान के चल रहे हैं जिसको वन भी कह देते हैं ठीक डेस्क्राइब बेसिस ऑफ देयर अपियरेंस जैसी शेप दिख रही है उसके बेसिस पे अपियरेंस पर बच्चा क्या करेगा डेस्क्राइब करेगा भाई ये गोल है ये ऐसा है ये वैसा है ठीक एनालिसिस में क्या है एनालिसिस में वो उसकी प्रॉपर्टीज जान पाएगा उसके बेसिस पे डिफरेंस कर पाएगा भाई इसकी प्रॉपर्टीज जान पाएगा देखो ये सर्कल है ये ओवल है इनमें डिफरेंस होता है ये चीज जान पाएगा ठीक एब्स्ट्रैक्शन में वो इसकी और ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है उनकी गहराई में जाएगा ठीक इसके आगे बढ़ने की हमें बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है एक नंबर हमें यहां से मिल जाएगा विजुअल और एनालिसिस वाले पार्ट से विजुअल में में क्या है में उसने सिर्फ देखा शेप्स को और देखने के बेसिस पे वो समझेगा एनालिसिस में उसकी प्रॉपर्टीज को जान पाएगा अगर ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है इसमें डिफरेंस किस बेसिस पे होगा ये वो जान पाएगा ठीक है बात तो ऐसा नहीं होगा कि वो ओवल को मतलब जो मान लीजिए आपके अंडे की शेप है उसको भी वो सर्कल नहीं कहेगा फिर उसमें डिफरेंस जानने लगेगा क्लियर हो गई बात क्वेश्चन है आपके सामने सिर्फ जुगाड़ मैथमेटिक्स की क्लास इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी वैन ही मतलब कि किसको ज्योमेट्रिक थिंकिंग कौन सा लेवल है ज्योमेट्रिक थिंकिंग का जब बच्चा असेस कर पाएगा आकलन कर पाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ कलेक्शन ऑफ शेप्स टूगेदर एक साथ बहुत सारी शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको निकाल पाएगा फटाफट से बताइएगा लेवल फोर राइगर है लिखिए मत पोल दे देती हूँ मैं एक बार ठीक चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये विजुअलाइजेशन है लेवल वन है इनफॉर्मल डिडक्शन है या रिगर है आंसर कीजिए फटाफट से बहुत बढ़िया स्पेशल क्लासेस कम लेती हूँ मैं बाकी मेरा अट्ठारह घंटे के सेशन रहते हैं अन प्लस पर डेली वन एंड हाफ आवर का सेशन रहता है आपके साथ ग्रेट बहुत बढ़िया सही है सही है हम्म बिल्कुल राहुल फर्स्ट आ चुके हैं देखिए एक बार अगर मैं बात करूं यहां तो एक चीज जोड़ी गई अकॉर्डिंग टू द बेन हील्स एट विच लेवल ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग जो आपकी जानती सोच है चिंतन है उसके किस लेवल पर बच्चा इस चीज का आकलन कर पाएगा जो शेप्स का ये कलेक्शन है मान लीजिए साथ में कोई ट्रायंगुलर भी रख देते हैं ठीक इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो डिफरेंस कर पाएगा यानी एनालाइज कर पाएगा ठीक है एनालाइज कर पाएगा सिंपल है एनालिसिस वाला लेवल है आपका लेवल वन है विजुअलाइजेशन में वो प्रॉपर्टीज पे फोकस नहीं करता बस शेप देखिए और उसके बेसिस पे वो अपना एक आइडिया क्रिएट कर लेगा कि लगभग सेम दिखती है तो चलो ये भी सर्कल ये भी सर्कल नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या होनी चाहिए मतलब आप प्राइमरी लेवल पर जब ज्योमेट्री जिसमें शेप्स की बात है, स्पेस की बात बात है 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 स्पेस ना तो इन सबको पढ़ाने के लिए ज्योमेट्री को की टीचिंग के लिए कौन सी एक प्रैक्टिस डिजायरेबल है या सही मानी जाएगी पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स यानी कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखा जाना चाहिए या फिर द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एक्साम्पल्स चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डिवेलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी लगाएंगे कि कैसे हम आंसर तक पहुंच पाए स्पेशली पेडागोजी में मैथ्स में तो लग नहीं सकती कॉन्टेंट में तो वो तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा डिवेलपिंग एक्सटेंसिव जियोमेट्रिक वोकैबलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल फटाफट से आंसर दीजिएगा थोड़ा सा सोच के पोल में आंसर चूज कीजिए एवीसीडी में से कोई एक सही होगा फटाफट से बताइए अभी समझेंगे कि ए क्यों नहीं होगा उसको समझेंगे अभी टेंशन ना लो देखो आंसर एक ही होगा चारों सही लग सकते हैं पेडागोजी का यही खेल है कि हमें चारों आंसर सही लग सकते हैं बट होगा कोई एक ही सही बात हुई है आइडेंटिफाई आर डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल प्राइमरी लेवल पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए कौन सी एक प्रैक्टिस जो है वो बेहतर रहेगी आपसे नहीं पूछा क्या बनाते से, से, से जामिति को समझ सकें क्वेश्चन को अच्छे से समझिए नहीं तो गड़बड़ होगी ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू सिंपल बेसिक शेप्स मतलब कि जो जामित है प्राथमिक स्तर पर उसमें सिर्फ सिंपल बेसिक शेप्स के रिकॉग्निशन तक उसको सीमित रखें हम तो ये आप decide कर रहे हैं कि पढ़ाना क्या है बात हो रही है कौन सा एक तरीका बेस्ट रहेगा पढ़ाने के लिए सिलेबस तो पहले से ही निर्धारित है ये नहीं पूछा कौन सा एक टॉपिक जो है या किस तरीके की चीजें प्राइमरी लेवल पर इंक्लूड हो आप सिलेबस तो डिजाइन कर नहीं रहे यहां फिर है द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स टीचर को क्या करना चाहिए डेफिनेशन पहले देनी चाहिए फिर एग्जाम्पल देने चाहिए अच्छा ठीक है हो सकता है फिर है सी ऑप्शन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल ऑपर्चुनिटीज टू डिप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस बच्चों को क्या होना चाहिए एक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि उनको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग स्पेस को लेकर के डिवेलप हो सके या फिर डिवेलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकैबलरी को अगर आप डिवेलप कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो तो सिर्फ एक ही चीज बचती है कि बच्चे को क्या हो मौका दिया जाए उसको प्रचुर मात्रा में अवसर दिए जाए जिससे क्या हो वो एक अपनी सहज जो अंतर्दृष्टि है वो डेवलप कर पाए स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को लेकर स्पेस मतलब ये जो शेप है साइज है इन सब को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग उसकी बन पाए आगे बढ़ेंगे सिमेट्री की बात कर लेते हैं सिमेट्री की अगर हम बात करें बहुत बड़े पप्पू देखिए एक बार सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री क्या है सिमेट्री से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सौ so, प्रतिशत पूछा जाता है ये कह सकते हैं हम तो है ही अगर आपको डायरेक्टली नहीं तो ऑप्शन में मिल जाएगा ठीक तो अगर मैं बात करूं सिमेट्री की डेफिनेशन देखें द क्वालिटी ऑफ बींग अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट फेसिंग ईच अदर और अराउंड एन एक्सेस जो आपके एक्स और वाई एक्सेस हैं या तो इस साइड सेम पार्ट बने या तो इस साइड से सेम पार्ट बने मतलब जब आप फोल्ड करें किसी एक चीज को तो क्या हो दोनों साइड सेम आइडेंटिकल शेप आ पाए हालांकि ये आइडेंटिकल नहीं आएगी बट इसमें आइडेंटिकल आ जाएगी ठीक अगर आप बीच से इसको काटें तो एक आइडेंटिकल शेप आ पाए ठीक है बात तो ये सिमेट्रिकल कौन सी चीजें कहलाएंगे जिनको अगर आप एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस दोनों में से किसी भी साइड से अगर फोल्ड करते हैं किसी भी एक साइड से भी इवन फोल्ड हो पाता है तो वो सिमेट्रिकल है मतलब क्या इस ए को आप फोल्ड करेंगे बी को आप फोल्ड करेंगे सी को आप फोल्ड करेंगे ठीक सभी में सिमेट्री नहीं होगी ये आपको देख करके पहचानना होगा कि किसमें सिमेट्री है और किसमें नहीं है ठीक तो स्क्वायर में क्या है फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इधर से भी आप देख सकते हैं इधर से भी आप देख सकते हैं अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो क्या होगा ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड दोनों जो साइड है वो आइडेंटिकल आएंगी एक जैसी आएंगी बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाएगा दोनों साइड सेम होंगी एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा ऐसे ही रेक्टेंगल में है ये आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल लाइन है बीच में ऐसे ही रोम्बस में है काइट की जो शेप होती है उसमें भी है आइसोसेलिस्ट में हो सकता है ठीक तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में सिमेट्री होती है बहुत सारी चीजों में सिमेट्री नहीं होती मतलब जब आप फोल्ड कर रहे हैं बहुत आसानी से समझने का तरीका ये है अगर आप किसी चीज को फोल्ड करें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बेसिस पे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए ठीक है बात सिंपल अब एक चीज और पूछी जाती है टेसिलेशन टेसिलेशन क्या है आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ये सिखाते हैं सिमेट्री भी हम सिखाते हैं आपने देखा होगा मैथ्स की अगर आपने एनसीईआरटी देखी है फोर्थ फिफ्थ तक की तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज्यादा शेप्स पर फोकस कराया जाता है ठीक तो की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एन अरेंजमेंट ऑफ शेप्स क्लोजली फिटेड टूगेदर एस्पेशली ऑफ पॉलिगन इन आ रिपीटेड पैटर्न विदाउट गैप्स और ओवरलैपिंग मतलब की एक अरेन्जमेंट है शेप्स का शेप्स को आपने इस तरीके से अरेन्ज किया हुआ है फिट की हुई है एक दूसरे के साथ कि एक बड़ा पैटर्न वो बनाती हैं बिना गैप के बिना ओवरलैप किए जैसे आप ये देख पा रहे हैं ज्यादातर इसमें पॉलीगन वाली शेप्स होती हैं ये शेप्स को इस तरीके से फिट किया है कि स्पेस नहीं है और एक पैटर्न क्रिएट हो पा रहा है ये टेसिलेशन है और इसके अलावा अगर हम बात करें अभी इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टीचिंग लर्निंग मटीरियल पे हम बात करेंगे फिर जो कि एक नंबर में आपसे पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन है आपका टेसिलेशन और सिमेट्री को शामिल करते हुए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर स्कूल मैथमेटिक्स पर एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव एनसीए टू थाउजेंड फाइव के अकॉर्डिंग कौन सा एक जो है वो प्राइमरी के सिलेबस का पार्ट नहीं होगा मैथ्स में पहला ऑप्शन है यानी टाइलिंग कह कह लीजिए लीजिए आप इसको चौपड़ हिंदी में सिमेट्री यानी सम्मिति पैटर्न यानी प्रतिरूपण और आपका रेशो तो ये हर बार एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एक बार पोल लेके चूज कीजिए आंसर कि कौन सी बात सही है मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ तो कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक को हम इंक्लूड नहीं करेंगे नॉट है ध्यान से पढ़िएगा एक बार तब आइडिया लगेगा कि नॉट पूछा है हमसे ठीक है नॉट पूछा है और कुछ नहीं क्लियर हो गई बात या नहीं बहुत बढ़िया सभी को क्लियर है ये चीज देखिए एक बार अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा एक जो टॉपिक है वो प्राइमरी मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होगा टेसिलेशन बिल्कुल होता है बच्चे को पैटर्न की हम एक तरीके से नॉलेज दे रहे हैं अभी हमने समझा और आप बुक्स भी उठा के देखेंगे तो ये आपको खूब मिल जाएंगे टेसिलेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं बुक्स में सिमेट्री भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि भैया अगर इसको फोल्ड करें तो एक आइडेंटिकल शेप बनेगी या नहीं बनेगी ओवरलैप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा पैटर्न भी बच्चे सीखते हैं ये तीनों चीजें प्राइमरी लेवल पर हम इंक्लूड करते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या होगा आज रेशो दे दिया कल को कोई और टॉपिक दे देगा कि ये प्राइमरी लेवल पर नहीं होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेसिलेशन 100 प्रतिशत होगा सिमेट्री सौ प्रतिशत होगा पैटर्न 100 प्रतिशत होगा इसके अलावा जो मिल जाए तो उसके चांसेस हैं कि वो प्राइमरी पर आंसर मिल जाएगा हमें ठीक तो रेशो एंड प्रपोर्शन जो है वो हम प्राइमरी लेवल पर नहीं डील करते फोर्थ ऑप्शन का सही हुआ अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर लेते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ इंडक्टिव आप जानते हैं आगमन और डिडक्टिव आप, आप पहले से जानते हैं छोटी सी बात है प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक जो तर्क है ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है सिंपल क्वेश्चन में पूछा था मैथ्स में आई थिंक 2018 या 17 यात्रा सोलह में प्रोसेस ऑफ रीचिंग कॉन्क्लूज बेस्ड ऑन प्रीवियसली देगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कॉन्क्लूजन तक पहुंचना प्रीवियसली नोन पता है आपको प्रीवियसलीक्ट मतलब पहले से एक जनरलाइजेशन हुई होगी उसके बेसिस पे आप कॉन्क्लूजन पे पहुंच रहे हैं जैसे आप कोई थियोरम सॉल्व करते हैं तो आपको पता है वो प्रूफ तो हो जाएगी सही होगी तभी तो प्रूव होगी लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पे आप उसको आगे कॉन्क्लूजन तक पहुंचते हैं तो जब आपके पास फैक्ट्स हो उसके बेसिस पे आप कॉन्क्लूजन पे पहुंच रहे हो दैट मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव कब होगी यहां इंडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कॉन्क्लूजन यहां भी आप एक कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे लेकिन विद अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑब्जर्वेशन से एग्जाम्पल्स से आप किसी कॉन्क्लूजन पर पहुंच रहे हैं तो हम कह सकते हैं उसको कि ये इंडक्टिव है लेकिन आप जब वेल नोन फैक्ट्स से कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स वो डिडक्टिव है बात समझ में आई या नहीं ये बता दीजिए एक बार स्पीड थोड़ी सी तेजी रहेगी क्योंकि चीजें ज्यादा डिस्कस करनी है डिडक्टिव जनरल टू तो स्पेसिफिक होता है जनरली और इंडक्टिव हमारा एग्जाम्पल टू रूल या स्पेसिफिक टू जनरल कहेंगे ठीक डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास फैक्ट्स होते हैं चलो एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं बात करूं एक मिनट रुकिए यह है इंडक्टिव ठीक दूसरी साइड है आपका डिडक्टिव ठीक एक नई चीज को हमने जस्ट एक ही चीज को हमने अभी डिस्कस किया है वो है इंडक्टिव में हम ऑब्जर्वेशन से हमने देखा अच्छा ये ग्रीन कलर है ये भी ग्रीन कलर है ये भी ग्रीन कलर है या आपने कोई चीज खाई उसको देखा ये भी खट्टा है ये भी खट्टा ये भी खट्टा और आप पहुंचे के सारे सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो खट्टे होते हैं ठीक तो इंडक्टिव में आप ऑब्जर्वेशन से एग्जाम्पल्स से कॉन्क्लूजन पे पहुंचते हैं ठीक अब ये हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रूवन हो या फैक्ट ही हो ऑब्जर्व तो आप कुछ भी करके एक दिमाग में बना सकते हैं ना लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में डिडक्टिव चिंतन में आप क्या करेंगे तर्क में आप नोन फैक्ट से जो फैक्ट्स पहले से अवेलेबल हैं दुनिया में उसके आधार पे कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं जैसे आप थ्योरम वगैरह प्रूव करते हैं तो कॉन्क्लूजन दोनों में ड्रॉ होगा लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन और एग्जांपल्स के बेसिस पे इंट्यूटिव आइडियाज के बेसिस पे लेकिन डिडक्टिव में आपके फैक्ट्स के बेसिस पे आप कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं ये सिंपल दो चीजें आपको याद रखनी है ठीक है बात क्लियर हो गई और नो फटाफट से बताओ ये दो चीजें समझ में आई कि नहीं भाई निगमन में आप नोन जो आपके पास तथ्य उससे कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं इंडक्टिव में आगमन में आप क्या कर रहे हैं आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन हैं जो भी एग्जांपल्स हैं आपकी इंट्यूटिव थॉट है उसके बेसिस पे उन एग्जांपल्स से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो दो चीजों में फर्क है डिडक्टिव में आप फैक्ट से कॉन्क्लूजन की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव में आप अपने सहज अनुभव या अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कोई कॉन्क्लूजन निकालते हैं तो ये दो सिंपल सी चीजें हैं ठीक है कि बात नहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को लिखिए कि बात हमें ये प्रॉब्लम आई है ठीक यस और नो मैं यहाँ परसेंटेज में देख रही हूं नाइन्टी टू परसेंट लोगों को समझ में आ चुकी है तो कह सकते हैं मेजोरिटी विंस क्लियर है बात चलिए फिर बहुत बढ़िया धन्यवाद टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स की बात कर लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही है Teaching learning materials, यानी सहायक सामग्री हर एक सब्जेक्ट में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है और हमारा मोटिव रहता है प्राइमरी लेवल पर कि कंक्रीट मटेरियल का हम यूज करें कंक्रीट क्या है मूर्त 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 वस्तुओं का हम प्रयोग करें जिससे बच्चा उनको टच फील करके सीख पाए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्राइमरी लेवल पर अभी बच्चे में नहीं आई तो एब्स्ट्रैक्ट को हम अवॉइड करते हैं कॉन्क्रीट चीजों का हम प्रयोग करते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री से क्या होता है हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस इफेक्टिव बनती है प्रभावी बनती है ज्यादा बेहतर बनती है ठीक है बात ज्यादा बेहतर बनती है अगर मैं बात करूं तो आप अलग अलग शेप्स के लिए क्या कर सकते हैं मॉडल बना सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ क्यूबॉइड का एक मॉडल बनाया हुआ है ना थ्री डी मॉडल बनाए हुए हैं क्यूब का एक मॉडल बनाया हुआ है सिलेंडर का एक मॉडल है कोन का एक मॉडल है इसके अलावा ट्राइंगल का एक मॉडल है है ना सर्कल का एक मॉडल है तो इस तरीके के कॉन्क्रीट मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं बच्चों को चीजें समझाने के लिए जिसको वो टच फील कर सकें अपनी आंखों से देख सकें और आसानी से समझ पाए और उनको आप आसपास ऑब्जर्व करने के लिए भी कह सकते हैं चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो क्लासरूम के बाहर हो शेप्स वगैरह को उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर से उसको रिलेट कर पाएंगे क्लियर हो गई बात और आप क्या बना सकते हैं ऐसे फ्लैश कार्ड वगैरह बना सकते हैं ग्राफ पेपर का आप यूज कर सकते हैं आप किसी बॉटल से लेके और किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जो उनको ज्योमेट्री से जोड़ पाए शेप से जोड़ पाए है ना जैसे वन टू थ्री को आप देख रहे हैं यहाँ कितने अच्छे से समझाया गया है इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ठीक है बात क्लियर हुई बात की नहीं एक चीज पूछी जाती है हमसे कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कॉमनली टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की टॉल शेप टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का ये नहीं है कि हाइट ज्यादा बड़ी हो मैथमेटिक्स की या मुश्किल चीजें हों टॉल शेप का मतलब है एक के साथ दूसरे मतलब प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई टॉपिक्स को जोड़ा जाए अभी हम समझेंगे आप लोग कॉमेंट कीजिए जिनको पता है फटाफट से बताइए एक बार टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब क्या है पार्टी आप कभी भी ले लीजिए पहले तैयारी करिए अच्छे से टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का पर्पज क्या है और टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है नॉट नोन कोई बात नहीं कह सकते हैं एक तरह से नहीं पता कोई बात नहीं ठीक है बिल्डिंग सही दे रहे हो ठीक तो है देखिए एक बार बिल्डिंग वन कॉन्सेप्ट ऑन अनोदर मतलब कि आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा आपने उसको नेक्स्ट में यूज किया प्रीवियस नॉलेज से जोड़ दिया बच्चे के तो उसका एक लेवल और ऊपर हुआ फिर आपने जब नेक्स्ट टॉपिक जोड़ा तो उसको और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर किया तो जो उसने पहले सीखा था उसको आधार बना के आप उसको आगे के टॉपिक सिखाते जा रहे हैं तो शेप क्या बनती जा रही है टॉल बनती जा रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है और आधार क्या है पुरानी चीजें जो वो जानता था एक तरीके से नोन से नून को जोड़ करके आप उसकी पुराने अनुभव को काम में लेकर के आगे कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा रहे हैं ये कह सकते हैं हम लोग ठीक तो बिल्डिंग न्यू कॉन्सेप्ट ऑन वन अन बिल्कुल क्लियर है बात मतलब हम ऐड करते जाएंगे जो वो जानता है उसको उसे कुछ नया सिखाने के लिए ठीक है जैसे काउंटिंग से एडिशन सिखाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है है ना मल्टीप्लिकेशन पर हम जाते हैं डिवीजन पे हम जाते हैं कितनी सारी चीजें हैं सब्टशन हम सिखाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए क्या होता है यदि आपने एक क्लास में बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं बनी तो आगे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मैथ्स में ऐसा बहुत होता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट निकल गया तो आगे आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते क्योंकि वो जो आपकी शेप है या जो पूरा एक नेचर है मैथ्स का उसको हमने ऐसा बनाया हुआ है कि वो एक के ऊपर दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो है तैयार होगा तो आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए तभी आप नई संकल्पना सीख पाएंगे अलका बिल्कुल बात सही है ठीक है ब्लूम टेक्सोनॉमी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है ब्लूम बी एस ब्लूम ने तीन आस्पेक्ट दिए थे तीन आस्पेक्ट की उन्होंने बात की थी वो तीन आस्पेक्ट कौन से हैं सिंपल बता दीजिए ये आपको पता है और ये आपके हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा कॉग्नेटिव यानी संज्ञानात्मक साइकोमोटर यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज करना यानी गत्यात्मक और है आपका अफेक्टिव यानी आपके इमोशंस से जुड़ी हो लर्निंग तो ज्यादा बेहतर हो पाती है ठीक है बात अब इसमें कॉग्नेटिव लेवल पर सिक्स लेवल्स दिए हुए हैं कॉगनेटिव स्तर में संज्ञानात्मक जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है उस पर सिक्स लेवल्स दिए हुए हैं अफेक्टिव में भी ऐसे ही है और साइकोमोटर में भी बट इनको हम पढ़ते नहीं है क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक अफेक्टिव है आपके इमोशन से जोड़ी जाए लर्निंग आपकी फीलिंग से भी जोड़ी जाए तो ज्यादा बेहतर होगी एक्टिविटी करा के सिखाया जाए जो कि इंपॉर्टेंट है ठीक कागनेटिव है आपके आपके संज्ञान से 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 आपकी मेंटल स्किल्स दिमाग से जोड़ करके समझाई जाए चीजें ठीक तो बी एस ब्लूम के कॉग्नेटिव स्तर में कॉग्नेटिव लेवल में ये कुछ सिक्स स्टेप्स हैं इसमें भी उनके साथ और भी उनके एसोसिएट एसोसिएट्स थे क्रेथोल वगैरह अगर मैं बात करूं तो ये 1956 में दी गई थी ये जो इधर वाली है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में उन्नीस और ये राइट right में आपकी दो में इसको रिवाइज किया गया था दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए एक बार दोनों के बीच में अंतर क्या है यहाँ ये क्या? कौन सी फॉर्म थी यहाँ ये फॉर्म्स थी आपकी नाउन फॉर्म्स नाउन टू वर्ब फॉर्म्स कर दिया गया समझते हैं नॉलेज क्या है आपने कोई डेफिनेशन बता दी आपने बता दिया ये पेन है बच्चे ने याद कर लिया पेन है ठीक है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उसने याद कर लिया अब कॉम्प्रिहेंशन में उसको समझना होगा कि इसका मतलब रियल में क्या है ठीक है जैसे आपने सिर्फ एडिशन की डेफिनेशन बता दी उसने याद कर लिया अब उसको आप समझा रहे हैं कि ये है क्या वाकई में फिर वो अप्लाई करेगा कहीं शॉप पे जाके कुछ खरीदेगा या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा तो उसकी एप्लीकेशन होगी ये लेवल हर लेवल पे हाई होता जाएगा दिमाग के स्तर पर फिर वो एनालिसिस करना सीखता है कि डिफरेंस क्या है एडिशन में सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में और आपके किस में डिवीजन में ठीक तो वो एनालाइज कर पाएगा चीजों के बिटवीन थिंग्स और बिटवीन रूल्स या फिर जो भी उसने सीखा है सिंथेसिस में सब कुछ जोड़ के एक नया ऑर्गेनाइज फॉर्म बनाया जाता है कुछ नया क्रिएट किया जाता है इवेल्युएशन है जब वो जज करे या देखे कि चीजें जो हैं वो अब तक जो सीखा वो कहाँ काम आया ठीक इसको बदल करके इवेल्युएशन को नीचे ले आए फिफ्थ लेवल पर और सिंथेसिस को ऊपर ले गए क्योंकि क्रिएट करना सबसे हाइएस्ट है हाइयर्ड ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हम कहते हैं हॉट उसमें क्रिएटिंग को हाइएस्ट कहेंगे हम यहाँ पर ठीक क्योंकि इवेल्युएट कर लिया आपने पहले कि हाँ क्या मैंने सीखा क्या काम आया क्या नहीं काम आया आप कुछ नया बनाएंगे आप ठीक ये पूरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ नया बनाएंगे ठीक तो इनको बदल करके रिमेम्बरिंग कर दिया गया मीनिंग वही है बस वर्क फॉर्म बना दी ठीक है बात अब मैं बात करूं अगर तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें आपको कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो नए टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे जैसे कि मैपिंग क्योंकि इनको हम क्वेश्चन से भी समझ जाएंगे जरूरी नहीं है इसमें कि हम बिल्कुल एक एक इसको अलग से एक टॉपिक बना करके पढ़ें क्योंकि रिविजन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल देखो नेटवर्क का कुछ आज इशू है उसके लिए माफ कीजिएगा कुछ नहीं कर सकते ये चीजें कभी कभार हो जाती हैं है ना हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है ऑनलाइन के दोनों चीजें हैं कभी कभी नेटवर्क जो है वो बिल्कुल पूरा सिस्टम ही खराब कर देता है हिला के रख देता है बट क्या कर सकते हैं उसमें ठीक है बट वो रेयर ही होता है रेयर ऑफ द रेयरस्ट केसेस में ठीक बहुत बड़ी नंदिनी क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आपको पोल दूंगी तब आंसर कीजिएगा द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग मैपिंग को इंट्रोड्यूस करने का मैपिंग को इंट्रोड्यूस करने का प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में पर्पज क्या है टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग टू प्रमोट प्रपोर्शनल रीजनिंग टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स दो ही सही होंगे ध्यान से आंसर कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है फटाफट से आंसर कीजिए संदीप यादव गुरु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत बढ़िया हाय साक्षी ओके कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक मिनट रुको मैं वाईफाई ऑन ऑफ करके आती हूँ एक मिनट रुको हम्म तो डिस्कस करें एक बार क्या हुआ पोल क्या दिया था वो पोल ही निकल गया दोबारा तो से आंसर कर दो क्या दिया मैंने सी दिया ए एंड डी दिया था ना वो गलत है हाँ एक बार फिर से करो हाँ यहां से तो चीजें ठीक ही चल रही हैं यार मैंने तो अभी स्पीड भी चेक की है आंसर कीजिए फटाफट से हम्म हम्म चूज कीजिए क्वेश्चन टैब चेक करूं क्या हुआ उसमें हम्म ग्रेट ठीक है अब सही है एग्जैक्टली exactly. जो आंसर है वो सी है अगर मैंने पिछले बार पोल, पोल जो है, उसमें गलत टच हो गया था ये देखो एक बार द मेन पर्प ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग शेप साइज इन सब के बारे में में आपको बताया जाता है, जाता है है मैथ्स चीजें चीजों से जोड़ा स्पेशल थिंकिंग जिससे आपकी डेवलप हो आप दिशाओं के बारे में चीजें जान पाए थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग बने स्पेस को लेकर के ठीक और दूसरा एक रीजन यहाँ पर है प्रपोर्शन की तो बात ही नहीं हो रही सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ईजी बनाने के लिए मैपिंग को जोड़ा गया हो बात है कि मोनोटोनी तोड़ सके हम जो वो एक नीरसता है कि मैथ्स में सिर्फ नंबर्स हैं उसको तोड़ा जा सके इसलिए हम शेप्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम पचास तरह की नई नई चीजों की बात कर रहे हैं तो ए एन बी जो है ए एन बी एक सेकेंड एक सेकेंड हां टू तो प्रमोट स्पेशल थिंकिंग और टू एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं बात करूं तो ए और डी होना चाहिए इसका जो कायदे से आंसर है बिल्कुल एम नॉट सेटिस्फाइड क्या हुआ क्या हुआ हुआ क्या, हुआ, हुआ, क्या? एक मिनट रुको एक मिनट रुको अभी समझते हैं कोई बात दोबारा समझेंगे उसको दोबारा समझेंगे दोबारा समझ लेंगे। आंसर मार्क कर लो आपको जो ठीक लग रहा हो इस बार मैं आंसर ही नहीं दे रही हूँ पहले आप लोग चूज कर लीजिए फिर तो आगे डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया हेलो रानी क्लियर है ना देखो एक बार आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा देखते हैं एक बार बात हो रही है है मैपिंग की ठीक स्पेशल थिंकिंग सौ प्रतिशत प्रमोट होगी और ये बात हम मान भी सकते हैं तो इस ऑप्शन को हम हटा देंगे ठीक प्रपोर्शनल रीजनिंग प्रपोर्शन प्रपोर्शनल रीजनिंग ठीक है सोच सकते हैं टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग इसलिए भी नहीं होगा मोनोटोनिंग को ब्रेक किया जा सकता है और इसमें अगर मैं बात करूं तो स्पेशल थिंकिंग होगी प्रोपोर्शनल थिंकिंग प्रोपोर्शन में वो थोड़ा सा सोच पाए अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में शेप्स की जोड़ा जा सकता है और अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन है टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग ये नहीं बनता तो आंसर जो है ए एंड बी यहाँ ठीक बनना चाहिए ए एंड डी की जगह पर और मेरे ख्याल में आंसर सही भी है, यही है जितना मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये दो का ही क्वेश्चन है ठीक है

यूज कर सकता है टू रेक्टेंगल्स हैं डिफरेंट डायमेंशन इनकी हो सकती है है ना डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है या नहीं इसके लिए विदाउट फॉर्मूला कौन सा एक तरीका बेस्ट रहेगा स्केल ग्राफ पेपर थ्रेड या फिर टाइल्स फटाफट से आंसर कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आंसर कीजिए huh. बहुत बढ़िया एक्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भेजा है आपको मैं टेक, चेक कर लूंगी चेक कर लूंगी क्या हुआ प्रतीक ठीक है बी सुभाषेक्टली exactly, चक्रधर जी ओनली बी कह रहे हैं कई लोग नहीं, नहीं नहीं देखो एक बार आंसर होगा इसमें आपका बी एंड डी दोनों सही है और सही तो दे रहे हैं पंद्रह परसेंट लोगों को कंफ्यूजन है बस इसमें देखिए एक बार अगर मैं बात करूं यहाँ तो ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर से आप समझा सकते हैं अभी मैं दिखा भी दूंगी और टाइल्स ये क्या है दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको समझा सकते हैं शेप के बारे में विषय बी एंड डी जो है वो दोनों सही होंगे क्योंकि टाइल्स के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं ये चीज मान लीजिए इसको आप टाइल मान लीजिए और इसको आप ग्राफ मान लीजिए दोनों में दिखाया जा सकता है कि जो रेक्टेंगुलर है जो आपका आयत है उसकी डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है है ना लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस हो सकता है तो दो अलग अलग प्रकार के आयत का आपने दिखा दिया यहाँ पे डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है टाइल्स के थ्रू भी टाइल्स का यूज करके भी तो दिखा सकते हो ना आपने जो रेक्टेंगुलर शेप की टाइल्स है उनको एक साथ जोड़ करके दिखाया बच्चों को क्यों नहीं समझेगा वो और ग्राफ पेपर पर पे भी आप यही काम कर सकते हो तो दोनों चीजों को यूज किया जा सकता है थ्रेड और स्केल का बाकी चीजों में प्रयोग होगा थ्रेड तो चलो आप सर्कल से रिलेटेड चीजें समझा सकते हो ठीक तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी थैंक यू अनु विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में कम उपलब्धि का कौन सा एक कारण हो सकता है जेंडर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या इनेटेबिलिटी ऑफ पर्सन फटाफट से आंसर कीजिएगा और शायद ये तो मैंने डिस्कस भी किया होगा कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अमृत सुधा जी बी राइट है एग्जैक्टली बी राइट है ऑफिशियली राइट right है एक तो ये सी टेट भी खूब खेलता है अपने आंसर्स के साथ ना हम्म सौरभ एग्जैक्टली प्रतीक आ चुका है देखिए एक बार विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में अंडर अचीवमेंट का मतलब आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहे इसका क्या कारण हो सकता है तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को भी इन्होंने यहाँ शामिल किया है हालांकि हो सकता है यानी जेंडर इसका कारण नहीं होगा बिल्कुल भी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कारण नहीं होगा इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन आप नहीं कह सकते इन्होंने जो अपना एक तर्क लगाया है वो ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है जहां उसे कैलकुलेशन करने का मौका मिलता है तो वो बच्चा ज्यादा बेहतर कर पाएगा अंडर अचीवमेंट का जो कारण है वो हो सकता है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड तो मैथ्स में जोड़ करके इन्होंने कहा है बाकी हम किसी भी सब्जेक्ट में जो हमारी पैटागोजी की अंडरस्टैंडिंग है हम कभी भी इसको सही मानते नहीं है मुझे इस पर डाउट है बट हम आंसर इसी को करेंगे क्योंकि पॉइंट है मैथ्स में इस चीज को रिलेट किया जा सकता है कि ठीक है अगर कोई ऐसा बच्चा है जो शॉप पे बैठता होगा तो उसका जो कैलकुलेशन की पावर है वो ऑब्वियसली आप, आप जो नॉर्मल परिवार से जाने वाला बच्चा है उससे ज्यादा होगी ठीक है तो ये कह सकते हैं

फटाफट से आंसर कीजिए बोल लीजिए और एक बार आंसर कर दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया हुँ हुँ सही है सही है देखो रिवीजन क्लासेस होती ही इसलिए है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो एटलीस्ट चीजों का एक बेसिक आइडिया हो उसके बाद रिविजन तभी हो पाएगा ना प्रिया वो हाथ में नहीं है यूट्यूब पर ऑप्शन नहीं होता है पोल का कोई नहीं कर सकता वो पूरा एल्गोरिथम सभी के लिए सेम है है ना नहीं तो मैं तो अगर मेरा बस चलता तो मैं तो कर ही चुकी होती अब तक मुझे पोल बहुत पसंद है इससे पता लग जाता है आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ है है ना अगर मैं बात करूं लेसन प्लान बनाते समय टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो जहां वो कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट कर सके उनको मौका मिले कुछ खुद से करने का है ना लर्निंग बाय डूइंग हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम यानी कि रचनावादी मैथमेटिक्स क्लासरूम का कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं होगा कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जिस पे आपका एनसीएफ बेस्ड है रचनावाद पर ठीक है बात फटाफट से आंसर कीजिए आर्यन बहुत बढ़िया the role of language and dialogue in learning mathematics is given due attention the teacher acknowledges the students may construct multiple understandings from a interaction objective type test items are used ya fir connections between mathematics and other curricular areas are highlighted dekho dhyan se padhega nahi to fir problem hogi isme fir galtiyan karoge aur चार जगह चार अलग अलग answers देखते हो इसलिए परेशान रहते हो आप लोग एक किताब को follow कीजिए एक teacher को follow कीजिए गलतियां कम होंगी मैं आपको बता रही हूँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है क्लास के बाद आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ सभी को हाँ बहुत बड़ा बड़े क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर किताब में एक परसेंट गलतियां हैं और हर व्यक्ति एक आध परसेंट गलतियां कर देता है लेकिन अगर आप सत्तर जगह जाएंगे तो आपकी एक एक परसेंट बढ़ करके कितनी गलतियां होंगी वो आपको भी नहीं पता लगेगा तो कोशिश कीजिए कि स्टिक टू वन बुक एंड वन टीचर मतलब रिसोर्सेज अपने कंसाइज कीजिए सेलेक्ट कर लीजिए बार बार दुखी मत होते फ्री है

देखो कंस्ट्रक्टिविज्म से हमेशा एक क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द मैथमेटिक्स इज इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव या फिर एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स फटाफट आंसर कीजिए एक ही ऑप्शन सही होगा पोल लीजिए और आंसर कीजिए प्रणाम सुमन जी ईवीएस मैंने ली है जीके मैं नहीं कराऊंगी वो मेरा बहुत ज्यादा मास्टरी वाला एरिया नहीं है तो ईवीएस मैं करा चुकी हूँ एक स्पेशल क्लास मैंने ईवीएस पर ली थी जी में करा सकती हूँ आपकी एस की बट uh, बिल्कुल थैंक यू अंजलि बहुत बढ़िया लटक गए पोल बहुत अच्छा किया अंजलि सही है चेतन सिक्सटी थ्री परसेंट आंसर सही है सत्रह परसेंट लोग ऑप्शन में कंफ्यूज हैं बारह परसेंट बी में देखो दोनों को डिस्कस करेंगे सोनी का भी देखिए एक बार अगर मैं बात करूं यहां तो सिंपल सी बात है मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट क्या सिर्फ तथ्यों को रटना या सिर्फ फैक्ट्स को ही याद रखना मैथमेटिक्स का उद्देश्य है जी नहीं ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की विशेषताओं में तो आ जाएगा लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम या कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रचनावाद में हमेशा याद रखिएगा बच्चा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता हुआ पाया जाएगा या एक्टिविटी करता हुआ पाया जाएगा कुछ एक्सप्लोर करता हुआ पाया जाएगा कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करता पाया जाएगा ये तो मैथमेटिक्स की विशेषता हुई ना कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ ठीक है कह सकते हैं बट ये मैथ्स की विशेषता हुई अगेन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में मैथ्स को कैसे पढ़ाओगे ये बात हो रही है एंटायरली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता मैथ्स एंटायरली ऑब्जेक्टिव है बट फिर से कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स आप बच्चे को विजुअलाइज करने का मौका दें उसको शेप्स जो हमने अभी पढ़ा था वैन हील की थ्योरी में आप उसको देखने का मौका दें अलग अलग शेप्स में पूछें उससे किसमें क्या अंतर है उसने क्या देखा क्या ऑब्जर्व किया ठीक है बात तो ये सिंपल सी बात है among ऑफ Space के बारे में चीजों की shape, size के बारे में, उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कौन सा एक तरीका सूट करेगा पहला ऑप्शन है ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल लोकेटिंग सिटीज ऑन मैप नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज या फिर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन कौन सा एक तरीका यहाँ सही बैठेगा एक बार ऑप्शन चूज कर लीजिए देखो अभी भी कमेंट निकल जा रहा है किसी ने कहा था यूट्यूब पर बहुत कमेंट किए हाँ एग्जैक्टली exactly. जो भी लेटेस्ट पेपर आया था उसी से क्वेश्चंस उठाए हैं क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ट्वीट करके और फिर आपको यही देखने को मिलेंगे लैंग्वेज में थोड़ी सी छेड़छाड़ होगी बस उपाध्याय क्या आप पूछ रहे हो बताओ एक बार बहुत बढ़िया एक्जैक्टली exactly. अगर मैं बात करूं तो ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल इससे बच्चे को आइडिया लगेगा एक सेकेंड रुको इससे बच्चे को आइडिया लगेगा कि शेप कैसी होगी उस बॉटल की टॉप व्यू बना रहे हो ना आप ये तो खैर खतरनाक बन गया तो बॉटल का टॉप व्यू बना रहे हो तो उससे क्या होगा बच्चे को आइडिया लगेगा शेप का साइज का किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है उसको ठीक फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के रिगार्ड में कौन सी एक बात सही नहीं है एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सल इन मैथमेटिक्स इज इनेट

है ना वैसे मेरी कोशिश रहती है कि ऑफिशियल आंसर की को ही फॉलो किया जाए क्योंकि सीटेट मानता नहीं है किसी की है ना आप कितना भी चैलेंज कर लीजिए दे डोंट केयर और क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं तो इसलिए ऑफिशियल को फॉलो करेंगे तो खुशी रहेगी बहुत बढ़िया एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्जैक्टली वॉइस एक्ो पता नहीं यार कैसे इतना एक्ो है आज देखना कितना है कोई आवाज आ रही है ठीक से वॉइस नॉट क्लियर पता नहीं तो हो सकता है आज माइक काम ना कर रहा हो क्लियर है चलिए फिर आते हैं देखिए एक बार गजब आ रही है धन्यवाद जी साहिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अभी हमने समझा था सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट कर सकता है बच्चे की परफॉर्मेंस को मैथ्स में ठीक है जो एक बच्चा है जो जिसके घर में कैलकुलेशन पे फोकस है क्योंकि कुछ ऐसा काम करते हैं वो लोग जिससे बच्चे का जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन एक मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसके घर में एक कोई शॉप है उसकी अपने आप कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी ठीक तो इसको हम नहीं कह सकते जो बिलीफ है कि बच्चे टीचर का विश्वास कि बच्चा अच्छा कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है बच्चे जो लैंग्वेज है वो बेहतर होनी चाहिए स्कूल की जो लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन की वो मैटर करेगी लेकिन आंतरिक होती है ये क्षमता मैथ्स में ये कहना गलत है तो जो लोग कहते हैं भाई गॉड गिफ्टेड मैथ अच्छा है उसका रीजन है कोई ना कोई इनेट नहीं होती तो ये सही नहीं हुआ ठीक है बात विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय यानी कि गणित में तर्क का कौन सा एक इंडिकेटर है पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली या फिर एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूले इन डिफरेंट सिचुएशंस ध्यान से आंसर कीजिएगा फिर प्रॉब्लम आएगी आपको और फिर आप लोग दुखी होंगे कि आंसर हमारा गलत हो गया बताइए एक बार पोल लेके की आंसर कीजिए मैम सुन लो बताइए बताइए सुना दीजिए सीटेंट के एग्जाम का कुछ पता नहीं लगा हां कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ओ गॉड हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ईवीएस की पैडागॉजी करवा चुकी हूं मैं ईवीएस की पैडागॉजी एग्जाम होगा बट कब होगा थ्री क्यों नहीं होगा डिस्कस कर लेते हैं एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराने की जो एबिलिटी है टीचर या जो भी इंस्ट्रक्टर होगा उसका काम है ठीक बात हो रही है कि मैथमेटिकल रीजनिंग का इंडिकेटर कि बच्चा मैथ्स में तर्क कर पाता है ठीक ये बात तो गलत हो गई एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता को यानी जस्टिफिकेशन दे पाए जस्टिफिकेशन में थॉट लगेगा, लगेगा तो रीजनिंग लगेगी बात तो ठीक है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशियंटली यहाँ पे भी बच्चा कैलकुलेट करेगा लेकिन यहाँ अप्लाई करेगा वो फॉर्मुले को ठीक एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट रिकॉल करना मेन फोकस नहीं होता तो आंसर क्या होगा आपका आंसर बी ज्यादा बेहतर बनेगा यहाँ ठीक एफिशिएंटली कैलकुलेट करना ऑब्वियसली ये एक एप्लीकेशन है फॉर्मुले की या फिर जो भी उसने सीखा है ठीक तो आंसर बी यहाँ सही होगा क्लियर हो गई बात आपने सी दिया है अरे यार पोल में सी दिया था क्या मेरा राइट right था बी पोल गलत एक बार फिर से देख लो फिर आज नेटवर्क का काफी अच्छा इशू है तो आधी चीजें तो मेरी मिस हो जा रही है मतलब मुझे नहीं दिख रहा कि कितनी चीजें आगे पीछे चल रहे हैं कमेंट्स भी लाइव कब आओगे होता ही डेली लाइफ तो नहीं नींद मुझे नहीं आ रही अंजलि जी पूरा सर में दर्द करके रखा है आधा घंटा पहले इंटरनेट में प्रॉब्लम थी मैं झकी हुई हूं एकदम हाँ।, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही है चलिए फिर हाँ ठीक है तो इसमें क्या दिक्कत है आंसर रहेगा बी ऑप्शन जस्टिफिकेशन जहां लगेगा या कोई भी आप जिसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन आप लगाएंगे ठीक है तो आंसर आपका साक्षी फर्स्ट आ गई है आंसर आपका बी रहेगा ठीक अगर मैंने सी दिया था पोल में तो वो पोल गलत होगा ठीक तो आज के लिए इतनी ही कहानी है और अब किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो फटाफट से पूछ लो और ये रहेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स और पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगा अः व्यू पीडीएफ करके आप डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप अनकेडमी पर जुड़ रहे हैं इंग्लिश पैडोलॉजी में वहां डील करती हूँ कंप्लीटली प्रैक्टिस और एक रिविजन बैच भी चल रहा है अभी जो ट्वेंटी थर्ड को खत्म होगा रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी उन लोगों के लिए जो कभी भी ज्वाइन करते हैं अगर इस मंथ में तो आपको पुराने रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे ठीक तो ये रेफरल कोड रहेगा आपका लेट्स लर्न और कोई समस्या हो बात रही एग्जाम की तो एग्जाम को लेके देखो अभी कोई भी सही बात किसी के भी पास नहीं है कोई भी ये नहीं कह सकता कि भैया हम सीबीएसई के स्पोक्स पर्सन है आज के लिए इतनी कहानी थी मेन मेन चीजों को डिस्कस किया है मैं एक बार बता भी देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस किया है हमने ताकि आपको आइडिया लग जाए ठीक है मैथ्स में अब एक घंटे में जितना डिस्कस हो सकता है उतना किया है हमने हिल की की बात की थी जिसमें उसने शेप देखी अलग अलग और वो अंतर सोच पा रहा है विजुअलाइज कर रहा है अलग अलग शेप को फिर वो क्लासेज में विभाजित कर पाएगा कि ये रेक्टेंगुलर है ये सर्कल है ये ओवल है है ना ये स्क्वायर है ये रोम्बस है ठीक इस तरीके से तो वो होगा एनालिसिस में जब वो बांट में विभाजित कर पाए जब प्रॉपर्टीज को वो अच्छे से जान पाए जब वो प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान पाएगा दैट मींस कहाँ पे आएगा इनफॉर्मल डिडक्शन में ठीक है बात तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ओवरऑल लीडर बोर्ड दिखाओ अच्छा एक बार फिर आपको और क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे तभी दिखा पाऊंगी मैं अच्छा ये आंसर कर देना सभी के सभी और लीडर बोर्ड हाँ ए ए ले लेना पता लग जाएगा किसने कितने ठीक किए हैं बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन चेक करना है अच्छा जो आपने भेजे हुए हैं यार बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं वो डाउट क्लियरिंग नहीं चेक हो सकते हैं फिर भी मैं देख लूंगी चलो एक बार है ना विक्रम अच्छा अभी भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं अब तो कहानी खत्म हो चुकी है आज की ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप जो भी देख रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं अपने आसपास एनवायरमेंट में या किसी भी एक चीज में आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं देख करके ठीक है कोई बात नहीं देखो साक्षी फर्स्ट आई है सेकंड कंचन है हर्षिता थर्ड है उदिता फोर्थ फरहीन फिफ्थ वैष्णवी प्रतीक अंकिता अर्चना पुष्कर बहुत बढ़िया पुष्कर माइनॉरिटी में है मतलब मजाक कर रहे हो क्लास में बात हो रही है है ना सारे लोग जो है ऐसे मेल फीमेल का रहे निकालें तो तो ये टॉप टेन हुए आज के और हजार से ऊपर थे अभी कम है और अगर मैं बात करूं स्वप्निल ने कुछ भेजा हुआ है एक बार देख लेते हैं व्याकरण पढ़ाते समय क्वेश्चन देख लो एक बार स्वप्निल का का आज मैम जन्मदिन है प्रज्ञा स्विलेड थर्टी फोर मार्क्स लाने हैं लाओगे निकल गया आपका हैप्पी बर्थडे प्रज्ञा देखिए एक बार व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है फटाफट से आंसर कीजिएगा आंसर नहीं दूंगी मैं पोल में आंसर कीजिए थैंक यू खुशी कल मंडे क्लास है मेरी दो बजे है कल अन प्लस पर होगी और बाकी जहां होती है वहीं होगी सब जगह पर थैंक यू सेशन फास्ट था उन्हीं को समझ आ पाया होगा जिनको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इसकी रही होगी ठीक है यहाँ यही है नहीं स्पेशल क्लास अब नेक्स्ट मंथ होगी जुलाई में सारी स्पेशल क्लासेस जो पांच स्पेशल क्लासेस होती है फ्री वो खत्म हो चुकी हैं ठीक है थीके? तो एक बार समझ लेते हैं ग्रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट अभी समझेंगे टेंशन ना लो समझो एक बार व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता क्या नहीं होगा आपका उद्देश्य छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके इसमें क्या बुराई है छात्र शुद्ध अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके अच्छा छात्र शुद्ध लेखन उच्चारण कर सके है? लेखन उच्चारण कर सके कहा मतलब कहां से बनाया है ये क्वेश्चन व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होगा छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके ठीक है छात्र शुद्ध अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके छात्र शुद्ध लेखन उच्चारण कर सके लेखन उच्चारण कर सके उद्देश्य नहीं होगा व्याकरण पढ़ाते समय छात्र भाषिक संरचनाओं का नेक्स्ट क्लास कल दो बजे है मुझे क्वेश्चन में कुछ इश्यू लग रहा है तो इसको नहीं करेंगे हम कुछ भी जज नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं बात करूं व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए शिक्षक का उद्देश्य छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके बुराई नहीं है इसमें बुराई नहीं है हो सकता है है तो मतलब नॉट वाली बात है ना दूसरा छात्र शुद्ध अशुद्ध में अंतर कर सके क्या बुराई है छात्र शुद्ध लेखन उच्चारण कर सके सारे तो होंगे तो डी हो सकता है इसका आंसर अगर वैसे देखा जाए तो डी की तरफ इशारा किया जा सकता है ठीक है तो डी कह सकते हैं कि ये सभी तो उद्देश्य होंगे ना इसलिए हम डी को कंसिडर करेंगे है ना नहीं पूछा है तो मतलब पता नहीं ये मुझे लग रहा है या तो नहीं गलत है इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में टेक्निकली सराउंडेड मतलब ठीक नहीं लग रहा करेक्ट नहीं लग रहा मुझे है ना या तो नहीं नहीं होता इसमें तब ये ठीक होता तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका सोर्स क्या है कहाँ से आपने ये देखा है और क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या टीचर मेड क्वेश्चन है तो दोनों चीजों में डिफरेंस होगा अगर नहीं होता तो उपरोक्त सभी पर हम चले जाते ठीक तो ये एक सिंपल सी बात हुई आज के लिए इतनी ही कहानी है अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में हाँ एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो में कराती हूँ आपको पीडीएफ भी एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी तो समझोगे कहां। फिर फिर तो किताबों से पढ़ लोगे है ना नमस्कार शिवानी जी अब नहीं होगी जुलाई में होगी स्पेशल क्लास मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जब स्पेशल क्लास जो जितनी भी जुलाई में होने वाली स्पेशल क्लासेस होंगी उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगी टाड़ा बाय बाय टेक केयर कल मिलते हैं जो लोग प्लस पे हैं या जहां पर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर आप प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी केवीएस का बैच आएगा इसके बाद अभी पहले सीटेट ही पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश रिवाइज कर रहे हैं और सीटेट डिले हुआ तो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी एक बैच डिस्कस करूंगी नेक्स्ट मंथ ठीक अभी इस मंथ का जो बैच है अभी वो चल रहा है दो से साढ़े तीन बजे दोपहर में ठीक रेफर कोड यूज कीजिएगा टेक केयर आंसर दो क्या पूछा जितेंद्र बताइए एक बार आप रात को नौ बजे मिलेंगे एक्जैक्टली बिल्कुल मिलेंगे क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रिया का है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं आई एम रियली वेरी सॉरी और एक क्वेश्चन और उठा लिया है दो तीन क्वेश्चन रेंडमली उठा रही हूँ मैं ठीक है अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है रिया का सीटेट पेपर वन की मैथ्स है मैम एंड पेडागोजी हाँ पेडागोजी ही डिस्कस किया हमने पेपर वन को ही आज टारगेट uh, किया था पेपर टू के लिए नहीं थी हालांकि कुछ चीजें हेल्प कर सकती हैं बट मेन जो मुद्दा था वो पेपर टू वन का था एग्जाम पांच जुलाई को ही होगा या नहीं देखो बहुत कम चांसेस हैं पांच जुलाई को होने के मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर तक जा सकता है ये प्रॉबेबिलिटी है ठीक लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि होगा कि नहीं होगा यस और नो अभी क्लियर नहीं है शायद अगले चौबीस घंटे में हो जाए तो देखते हैं फिर ऑफिशियली जो एक चीज आएगी सीबीएसई की तरफ से वही सभी के लिए वैलिड होगी ठीक है चलिए फिर टेक केयर हाँ वो मैं करा दूंगी थर्ड क्वेश्चन कल वाला वो मैंने देख लिया था बाद में मुझे लग ही रहा था कि उसमें कन्वेंशनल में कुछ प्रॉब्लम है ठीक nice है टेक केयर हैव अ नाइस डे हेड, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम हो ना हो अपनी रिविजन करते रहिए